अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जूफी फूड में बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टिंग और एकदम रसीली सी बनने वाली ये खट्टी मीठी सीताफल की सब्जी। तो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो एक बार खाकर देखना, इस तरीके से बनाना बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। तो आप पूड़ी पराठों के साथ खाना, बहुत ही मज़ेदार लगने वाली ये सब्ज़ी है। तो हम लोग तो इसे पूड़ी के साथ खाने वाले हैं, आप को जो जिसके साथ पसंद हो आप उससे खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये ले लिया है कढ़ाई में तेल। तो 100 ग्राम सरसों का तेल लिया, इसको अच्छे से गर्म करके मैंने टेम्परेचर को लो कर लिया ताकि हमारे जो मैं इसमें चीज़ें डालूँ, मसाले डालूँ, वो हमारे जले नहीं। तो देखिए इसमें डाली मैंने मेथी। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर मैंने लो कर लिया था तेल तेज़ करने के बाद। तो आपको भी इस तरीके से करना है, तो इससे हमारे मसालों में बहुत अच्छा फ्लेवर चला जाएगा और हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं। मैंने 3 डाल दी सूखी लाल मिर्च, तो इसको भी अच्छे से भूनना है। तो हम इस तरीके से तेल का टेम्परेचर नीचे करके डालेंगे तो हमारी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं जलेगा और हमारी सब्ज़ी में फ्लेवर और टेस्ट और खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। तो ये देखिए मैंने डाल दिए 5 फोरन, जैसे अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, साबुत धनिया, जीरा, ये 5 फोरन मैंने इसमें डाल दिए है। अच्छे से अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और बिल्कुल भी हमें इसे जलाना नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, वरना हमारी सब्ज़ी में इतनी अच्छी खुशबू और फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आपने ये जला दी। तो देखिए खूब अच्छा इसे भून लिया, खूब अच्छी खुशबू सी आ गई। अब डाला मैंने इसमें 2 चम्मच लहसुन और अदरक का बारीक पिसा हुआ पेस्ट। तो देखिए इसको हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए, बस चला ही लेंगे। और फिर उसके साथ अब हम डालते कुछ सूखे मसाले। तो देखिए ये डाला मैंने धनिया पाउडर। सिंपल से मसालों से बनने वाली मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमें इसमें मिर्च बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। हर चीज़ बैलेंस करनी है, खट्टा, मीठा, तीखा, हर चीज़ बैलेंस हो गई। और कड़वाहट के लिए हमने मेथी भी डाल दी, तो एकदम परफेक्ट ये सब्ज़ी बनेगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले जो ड्राई डाले ना वो सूखे नहीं और सिर्फ अच्छे से भुन जाए, जिससे हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आए। तो देखिए सब्जी हमारी भुनने लगी है। देखिए कितना अच्छा सा तेल ऊपर से आ गया, एकदम चटक चटक गया हमारा मसाला, बढ़िया तरीके से भुन गया और खुशबू आप मतलब बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे जब आपको पता चलेगा जो मैंने इसमें मसाले डाले ना उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो चलिए अब मैं इसमें सीताफल डालती हूँ। तो देखिए ये कद्दू है, कुछ लोग कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग सीताफल, पम्पकिन, जो बोलता है, बस बना लेना ये सब्ज़ी को। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे काट लिया है और मोटे मोटे रफली चॉप कर लेना, क्योंकि ये घुट जाता है दिखने में, जितना हार्ड है ना उतनी सब्ज़ी इसके मुँह में घुल जाने वाली बनती है। तो देखिए इसको अच्छे से मसाले में लपेट लेंगे अपनी सब्ज़ी को। और देखिए सीताफल में कभी भी पानी नहीं यूज़ होता है बिल्कुल भी। जिसने सीताफल में पानी डाल दिया समझ लो उसे सीताफल बनाना आता ही नहीं है। तो हाँ जी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। तो देखिए इसको खूब अच्छे से तेज गैस पे मसालों के साथ चटका लेंगे। भूनना है हमें कद्दू को और मसालों को अच्छे से। अब इसको क्या कहते हैं, मैं सब मसालों को साइड कर दूंगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बार बार कह रही हूँ मैं। और इस सब्ज़ी को अब हम मीडियम गैस कर देंगे और इसे ढक देंगे, ये अपना ही पानी छोड़ेगी और अपने ही पानी में पकेगी। अब बिल्कुल भी डरना नहीं कि ये जल जाएगी हमारी सब्ज़ी, इतनी हार्ड है कैसे पकेगी, ये हार्ड ज़रूर है। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से हार्ड अंदर से नरम होता है, सीताफल भी वही है, एकदम हार्ड है और इसके और अंदर से जब भी बन जाता है तो उतना ही सॉफ्ट बनता है और वो भी विदाउट पानी के। तो देखिए हमारी सब्ज़ी ना हल्का सा देखिए भुन रही है और धीरे धीरे ये पानी छोड़ेगी। देखिए इस सब्ज़ी को बनने में ना कोई जल्दबाजी नहीं है और ये सब्ज़ी कम गैस पे बनती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है। आप ये ना करें कि इसमें पानी भर दें और तेज़ गैस पर फटाफट धाड़ धाड़ बना के इसको तैयार कर दें, जी नहीं, ये बिना पानी के और कम गैस पर बनती है। जितनी स्लो गैस पर बनती है उतना ही इसका टेस्ट और इन्हेंस होता है और हमारी सब्ज़ी एकदम शादियों वाली एकदम बेहतरीन सी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। शादी ब्याह में हम खाते हैं ना कभी कभी कद्दू और पूरी की सब्ज़ी जैसे गाँव में बनती है, तो इतनी ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही मज़े की। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप भी इस तरीके से ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखिए एक बार मैंने चला लिया और एक बार फिर से मैं इसको ढक देती हूँ अपनी सब्ज़ी को और हम अपनी सब्ज़ी पर नज़र रखेंगे 10 मिनट बाद फिर खोल कर देखेंगे अपनी सब्ज़ी को। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी सब्ज़ी को दोबारा से खोल कर देखती हूँ। तो देखिए अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया और भुनने पे भी आ चुकी है। तो देखिए इस तरीके से मैं देखती हूँ, तो देखिए सब्ज़ी हल्की हल्की नीचे से कढ़ाई को पकड़ेगी, लेकिन हमें इसे जलने नहीं देना है, जब भी पकड़े हमें फ़ौरन छुड़ा देना है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जैसी कढ़ाई सब्ज़ी को पकड़ती है आपको फ़ौरन छुड़वा देना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से तेल छनक चुका है, लेकिन हम देखते हैं गली है या नहीं। तो देखिए सब्ज़ी तो हमारी गल चुकी है लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम इसे ऐसे ही 2 मिनट और लेते हैं खोलकर। तो देखिए
अच्छा खासा तेल हमारी सब्ज़ी ने छोड़ दिया है, लेकिन ये तेल हमारी सब्ज़ी में बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। ये कद्दू जो है ना सीताफल, सब ये तेल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एकदम खींच लेगा, और तभी वो खाने में एकदम फ्लेवर और टेस्ट आएगा। जब तेल ये पी जाएगी, मसाले पी जाएगी, अपने अंदर जज्ब कर लेगी मसाले और तेल को। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी पिटाई कर करके इसको घोट देंगे और एक बढ़िया सी सब्ज़ी हम इसमें तैयार करेंगे। तो देखिए जो मसाले चिपक रहे हैं ना, मसाले और सब्ज़ी, उसको हम छुटा लेते हैं, मतलब इस तरीके से पैन शार्प करछली लेना। तो देखिए इस तरीके से हम इसको भून रहे हैं अपने मसाले में। तो देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम तेल छोड़ दिया। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इसको क्या बोलते हैं, अमचूर पाउडर। तो देखिए मेरे पास कुछ खटाई के लिए था नहीं, तो मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है। तो जिस टाइम पे हमारी सब्ज़ी को मैंने दोबारा जब खोला था, आधी गल चुकी थी, आप उस टाइम पे कोई इमली या फिर आम, कच्चा आम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को तो अमचूर पाउडर डालना था, इसलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया। तो देखिए मेरा सीताफल तो पीला वाला मीठा था, अगर आपका सीताफल ग्रीन है तो आप उसमें आधा चम्मच गुड़ भी डाल देना, तो खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। मैंने अब इसमें धनिया डाल दिया है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप ग्रीन वाला सीताफल ले रहे हैं तो आप इसमें एक चम्मच गुड़ भी ऐड करना। और सॉरी मैंने आपको नमक नहीं बताया, इसमें पौना चम्मच नमक गया है हमारी सब्ज़ी में। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाते समय नमक स्किप कर देती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी मैंने फटाफट सर्व कर ली, तो ये बेहतरीन सी सब्ज़ी तैयार है। पूड़ी के साथ खाइए, दुआओं में याद करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।